तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस लोन एप्लीकेशन से जो मेरा लोन अप्रूव हुआ है वो कितना हुआ है, 1 लाख रुपए तक का। ओके, यहाँ पे हम 5,000 रुपये से लोन ले सकते हैं और 1 लाख रुपए तक की लोन अमाउंट है। वन क्लिक डिसबर्समेंट है, यानी एक क्लिक में ये पूरे के पूरे पैसे जो है मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। इसका पूरा वीडियो आपको बताते हैं। ओके, तो गाइस इस वीडियो में हमको बताएंगे इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है फॉकेट। तो फॉकेट एक ऐसे लोन एप्लीकेशन है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा लोन अमाउंट मिलता है। ओके, एंड इसका ए टू जेड पूरा प्रोसेस बताएंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ओके, कि ए टू जेड क्या क्या इसमें प्रोसेस है, क्या डिटेल फिल करनी है, सब कुछ। ओके, तो चलिए एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंस्टेंट कैश एक्सेस टू कैश। ओके, और एप्लीकेशन का नाम है फॉकेट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपसे परमिशन बोले जाएंगे, तो परमिशन आपको जो है सिंपली अलाउ करना होगा। ओके, तो नीचे आई हेयर बाय वाला कंसेंट इस पर क्लिक करना है एंड आई एग्री। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बोला जाएगा इंस्टेंट कैश डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे गाइस आपसे बोला जाएगा कि इंस्टेंट अप्रूवल एंड डिसबर्सल फुली ऑटोमेटेड एंड पेपरलेस 100% ट्रांसपेरेंट। ओके, सिंपल सा है। अब यहाँ पे आपको करना है कि नीचे जाना है, साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर देना है और अपने किसी भी जीमेल आईडी से जो आपको साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। ओके, आपको वही नंबर एंटर करना है। फिर आपको आई हेयर बाय इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करना है, सेंड के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आपसे बोला जाएगा लेट्स फिल द एलिजिबिलिटी फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे नाम फिल है आपका, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, करेंट एड्रेस, पिन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट टाइप, ऑर्गेनाइजेशन नेम, सैलरी वगैरह, पैन, सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नेम बोला जा रहा है, यहाँ पे नेम टाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे टाइप कर देंगे जो मेरे पैन कार्ड पे होगी, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है मेल फीमेल, एड्रेस आपका पिन एड्रेस और पिन कोड जो है आपका वो आपको आधार कार्ड के बैक पे मिल जाएगा, एजुकेशन आपको बता देनी है कितनी है, फिर बताना है आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम, मंथली सैलरी, पैन कार्ड नंबर, बेसिक सी डिटेल फिल कर देनी है। ओके, ये डिटेल फिल करेंगे, फिर मंथली सैलरी बतानी कि आप महीने में कितना कमाते हैं, फिर पैन कार्ड नंबर आपको एंटर करना है, फिर नेम टाइप करना है जो भी आपके पैन कार्ड पे हो। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरी इतनी डिटेल जो है फिल हो चुकी है कम्प्लीट। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारे यहाँ पे देख सकते हैं हमसे बोला जा रहा है प्रोसीड के बटन पर नीचे क्लिक करने के लिए। ओके, तो इस पर कर दिया क्लिक। अब यहाँ पे परमिशन बोली जाएंगे, परमिशन आपको सिंपली अलाउ पे क्लिक करना है, ग्रैंट नीचे जो दिख रहा है आपको परमिशन करने का उस पर आना है। नेक्स्ट यहाँ पे उसमें आपको जो आई हेयर बाय वाला जो प्रोवाइड कंसेंट उस पर क्लिक करना है, फिर ग्रैंट परमिशन कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है टू गेट द मनी प्लीज़ क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन, तो प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे गाइस बोला जाएगा आपसे कि आपको डिटेल्स फिल करनी है कुछ और, तो वो और डिटेल्स बताते हैं आपको क्या क्या फिल करनी है। यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे आते हैं, यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव मोबाइल अपना नंबर दे देना है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर हो तो आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको दे देना है जो आपके पास ऑफिशियल हो। ओके, जब यूज़ करते हैं, फिर एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस फिर उसके बाद बताना है, फिर आपको फैमिली इनकम बतानी है कितनी है। ओके, सैलरी कब आती है आपको, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सी डिटेल वो बतानी है, जहाँ आप काम करते हैं फिल करेंट एड्रेस डिटेल, अच्छा जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड टाइप करना है, सिटी बतानी है किस सिटी में रहते हैं, स्टेट बताना है किस स्टेट में रहते हैं। ओके, फिर करंट रेसिडेंस एड्रेस यानी जहाँ पे हम करेंटली रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस बताना है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डिटेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कंसेंट रिक्वायर्ड, आई हियर बाय प्रोवाइड माय कंसेंट टू वेरीफाई माय आधार नंबर। इतनी डिटेल फिल कर चुके हैं, अब आपको अपना आधार नंबर जो वो वेरीफाई कराना है, आधार कार्ड। ओके, तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बोला जाएगा आप कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं एंटर योर नेम एज पर योर बैंक अकाउंट, जो भी आपके बैंक अकाउंट में नाम है वो आपको एंटर करना है, तो इस पर आपको सेंड के बटन पर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे गाइस हमने नाम एंटर कर दिया, उसके बाद आपसे बोला जाएगा लेटेस्ट नो योर अकाउंट नंबर, आपको बताना है अकाउंट नंबर आपका क्या है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे अपना जो है अकाउंट नंबर देख सकते हैं हमने इस जगह पे एंटर कर दिया, फिर आपसे बोल रहे हैं IFSC कोड एंटर करने का। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे हमने अपना IFSC कोड एंटर कर लिया, फिर पूछ रहे हैं कि इस दिस योर सैलरी अकाउंट, आपके सैलरी इसी अकाउंट में आती है, येस और नो, फिर यहाँ पे हमने येस पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज़ प्रोवाइड योर आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो आपको सिंपली नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने एंटर कर दिया, फिर कह रहे हैं इज दिस योर आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड लिंक्ड है मोबाइल नंबर से, तो यस पे क्लिक कर दिए, वरना नहीं है तो नो पे, तो हम यस पे करेंगे। नेक्स्ट
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक से डिटेल है, फिर उसके बाद OTP आएगा, दैट्स इट। फिर कह रहे हैं थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, लेट अस नो अबाउट योर लोन डिटेल। ओके, तो इसको करने के लिए आपको सेव पे क्लिक करना है, जिससे आपकी डिटेल जो है सेव हो जाएगी। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपसे बोला जा रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, यहाँ बोल रहे हैं हाउ वुड यू लाइक टू प्रोवाइड योर आधार डिटेल। आप आधार डिटेल कैसे प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है, जिससे आधार कार्ड से लिंक्ड नंबर पे OTP आएगी। ओके, और उससे आधार कार्ड आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आप ही हैं जो लोन अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक नंबर पे OTP आई, OTP यहाँ पे सिंपली फिल करना है आपको। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे OTP इस बॉक्स में फिल करके सबमिट। ओके, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे आपसे बोला जाएगा ये डिटेल आपको फिल करनी है, सेल्फी, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपसे क्या बोला जा रहा है, अपलोड सेल्फी, आपको सेल्फी अपलोड करनी है, करंट एड्रेस प्रूफ देना है आपको, लास्ट 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप देनी है। ओके, ये आपको 4 छोटी छोटी चीज़ें ये अपनी दे देनी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेल्फी यहाँ पे खींचनी है अपनी, अपलोड करनी है, फिर लास्ट के 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है, वो आप PDF भी कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं लास्ट महीने की सैलरी स्लिप आपको देनी है, इसमें आप जो है इमेज भी अपलोड कर सकते हैं या फिर PDF अपलोड कर सकते हैं। ओके, फिर ये डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली आना है नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपसे बोला जाएगा ये सारी डिटेल फिल करने को जो हम कर चुके हैं, अब फिर आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं बोला जा रहा है कंपनी पॉलिसी, इस सारी चीज़ों को आप रीड कर सकते हैं। ओके, 6 EMI लोन ग्रेटर देन 20,000, 20 लाख, सारी की सारी चीज़ें इसको आप रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ चुके हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हमको लोन कितने से कितने रुपए का मिलना है। पहले देख सकते हैं लोएस्ट अमाउंट है 5,000, यानी हमको कितने रुपए से स्टार्ट हो रहा है, 5,000 रुपए से मेरा लोन स्टार्ट हो रहा है और 1,00,000 रुपए तक की मिल रहा है, यानी इस एप्लीकेशन से हमको 1,00,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है। ओके, मान लीजिए ये ऑटोमेटिक 5,000 रुपए सेलेक्टेड है, तो 5,000 का लोन लेंगे तो प्रोसेसिंग फीस 590, एक इंस्टॉलमेंट यानी एक ही बार हमको पैसे वापस करने, बैंक अकाउंट में कितने आएंगे 4,410 रुपए। ओके, आपको ध्यान रखना है 4,410 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे और वापस कितने करने 6,216। ओके, कितने टेन्योर कितना है 74 दिन का है। ओके, इसमें समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं एक और एक अमाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया, वो कितने का है 1,00,000 रुपए का। ओके, 1,00,000 रुपए का है, उसमें प्रोसेसिंग फीस 1,500 रुपए लग रही है। आपको यहाँ पे बताने चाहेंगे जो चीज़ आपको नोटिस करनी वो ये है कि लोन है 1,00,000 रुपए का। ओके, बैंक अकाउंट में कितने आएंगे 98,466 रुपए। ओके, और वापस कितने करने हैं आपको 1,07,299, यानी 1,07,300। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद अपने हिसाब से, टेन्योर यहाँ पे 74 दिन का आपको मिलता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एक और सिनेरियो है जिसमें हम 20,000 रुपये का लोन अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम 1,00,000 है, मिनिमम 5,000 रुपये, तो आपको हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितना आ रहा है 21,460 रुपये जो है हमको वापस करने, बैंक अकाउंट में आएंगे 19,174 रुपये। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 20,000 रुपये का लोन अगर हम लेना चाहेंगे तो क्या है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 20,000 रुपये हमने सेलेक्ट कर लिया, डिटेल आ गई है कितने रुपये आएंगे 19,174 रुपये वापस करने 21,460। यहाँ पे आपको रीज़न सेलेक्ट कर लेने किस लिए आप लोन लेना चाहते हैं और अप्लाई पे क्लिक करना है, दैट्स इट। सारी डिटेल आपकी फिल हो चुकी है, लोन आपका अप्रूव हो चुका है, 1 क्लिक में आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स हो जाएगा। बैंक डिसबर्समेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कोई इशू नहीं है ज़्यादा, मतलब इतना भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आ जाएगा लोन अमाउंट। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस था, इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं बहुत ईजिली ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी वजह से, जैसे आपको सैलरीड है, आपको लोन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं मिल रहा, तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और लोन एप्लीकेशन के, स्टूडेंट लोन, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड हर तरीके का। बाकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक्स मिलेंगे आपको अलग अलग स्टूडेंट लोन एप्लीकेशन की वगैरह, पी लीडर, सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर वीडियो को एंड करें, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।